हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई रियलमी 6 के बारे में यार मैंने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के आते देखे और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन दिया इस फ़ोन के बारे में कि बेसिकली ये फ़ोन लेने लायक है या नहीं है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या है वो सब। लेकिन मैंने देखा यार अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर इसे करीबन 5000 कुछ की रेटिंग मिल चुकी है, तो मतलब काफ़ी लोगों ने इस फोन को खरीद लिया है अभी तक और 4.5 स्टार्स मिले इस फोन को, तो काफ़ी चीज़ सेल जा रही है इस फोन की। तो एक चीज़ काफ़ी लोगों के मन के अंदर जो दिक्कत रही मेरे को, जो लगा मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे, काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी, वो था कि ये जो फ़ोन है ना इसके अंदर आप लोगों को जो इसका बेस वेरियंट है उसके अंदर जो पबजी है ना वो HDR के अंदर नहीं चलती। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई ऐसा क्यों है, क्या है। तो अभी मैंने ये रियलमी टीम को बोला है यार एक बार मेरे को बताओ ये क्या चीज़ है और क्या ये अपडेट के बाद हो सकता है फिक्स हो जाए, मुझे अभी पता नहीं है उसके बारे में। बट मैंने रियलमी की ये वाली जो बात है टीम से पूछी है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या उनका जवाब आता है। और अगर आप लोगों को पता है क्या है, अगर अपडेट आने वाला तो मुझे बता देना वैसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस फ़ोन की, पहले स्क्रीन साफ कर लें थोड़ी गंदी सी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे लगी ना यार इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप लोगों को जो फ़ोन है उसके अंदर 90Hz की डिस्प्ले मिल रही है। एंड यार लाइक ट्रस्ट मी, काफ़ी लोग बोलेंगे भाई 90Hz डजेंट मैटर, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 90Hz हो 60Hz हो, बट भाई जब आप लोग चलाने लगते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार हाँ फ़र्क होता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है यार ये 90Hz की डिस्प्ले। एंड काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार मैं से भाई ऐसे बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, बट यार सच में जब आप ट्राई करोगे इसको, जब आप खुद इसे देखोगे एक बार, खुद चलाओगे फ़ोन को, जब पता चलेगा कि हाँ यार मैं सच कह रहा था। एंड यहाँ पे जो यार पंच होल कैमरा दिया गया ना इस फ़ोन के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस है। मतलब मेरे को तो वॉलपेपर लगाने बड़ा मज़ा आ रहा है, ये वाला वॉलपेपर देखो कितना मस्त लग रहा है इसके अंदर, ये वाले अभी ढूंढा था और एक कितना बढ़िया लग रहा है मतलब। तो मुझे वॉलपेपर लगाने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस फ़ोन के अंदर। एंड फ़ोन का जो रूप है वो सुंदरता निखर के आ रही है बाहर इस वॉलपेपर को लगाने से, तो इसलिए मुझे ये वाला वॉलपेपर नहीं डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। बट ओवरऑल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो फ़ोन है ना उसको मैं अभी देख रहा था, लाइक कल भी मैंने इसे यूज़ करा थोड़ा, तो मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, डिज़ाइनर काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ यूनिक है। बट हाँ मुझे आप लोग में से काफ़ी लोग बोलोगे कि Redmi Note 9 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है, मैंने अपनी वीडियो में बोला था डिज़ाइन वाइज Redmi Note 9 अच्छा है, बट इसका भी डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि बुरा है। जो इन्होंने नया कलर निकाला है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दिखने में। एंड ओवरऑल आप देख सकते हो जिसके नीचे की ये पूरा का पूरा जो एक कहते हैं ना ऐसे किरणें सी आ रही हैं निकल के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एंड मुझे तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा और स्लीक भी है, मतलब ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसे डिज़ाइन से कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये फ़ोन डिज़ाइन मामले में सही है। लाइट वेट लगता है हाथ में जब आप लोग इसे उठाते हो तो। और काउंटर बैलेंस की बात करते हुए बैलेंस करके देख लेते हैं, क्योंकि ये भाई बिना करे मैं आप लोगों को पता है नहीं सकता। तो फ़ोन का जो बैलेंसिंग है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी, तो बैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा सही है और फ़ोन अच्छे से बैलेंस हो पा रहा है देखो, तो इससे पता चलता है जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी ने बनाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर जो भी सामान लगाया है CPU बैटरी उनको अच्छे से और सब कुछ किया है। एंड एक चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी वो था इसके कैमरास। तो कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं अभी। सो गाइस कैमरास की अगर मैं बात करूँ ना इस फ़ोन के अंदर, तो कैमरास जरा आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं चार पीछे, तो पहले तो यहाँ पे चार कैमरास लगे हैं पीछे और इसके अंदर 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी देखने को मिलता है आप लोगों को। तो पहले मैं बात करता हूँ कि जो इसके अंदर मेन शूटर्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड में आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड एंगल वाली लेंस भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो लेंस है यार ये सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में फोटो खींच दिखाता आप लोगों को, तो मैंने फोटो क्लिक करी अभी एंड इस वाली फोटो को एक बार रिजल्ट देखते हैं कैसा आ रहा है। तो देखो फोटो कितनी ज़्यादा अच्छी आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल आई है फोटो के अंदर। एंड थोड़े से देखो अल्ट्रा वाइड के अंदर ये नाम नहीं दिख रहे फिर भी, लेकिन अब ये 64 मेगापिक्सल में क्लिक करके देखते तो पता चलेगा नाम दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे। एंड ये 64 मेगापिक्सल वाली फोटो है गाइस, और इसे भी क्लिक करके देखते हैं इसमें नाम दिख पा रहे हैं नहीं, तो अब देखेंगे भाई किसका नाम लिखा हुआ है। सुमित सागर जी, ओए होए सूरज प्रताप, मुकुलदीप पान। तो भाई 64 मेगापिक्सल वाले में तो फोटो में तो बस एकदम नाम दिख रहे हैं देखो, मस्त क्लैरिटी से नाम दिख गए सबके। तो भाई मैंने फ्री में प्रमोशन कर दिया, मेरा पैसा लेकर आओ सब। और अगर किसी का भी ऐसा नाम है लाइक मेरे चैनल देख रहे हो, थैंक यू आपका, मतलब थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, जो फोटो के अंदर आप दोबारा से जो कैमरा मोड रहेगा ना उसके अंदर जाऊँ तो इधर आप लोग को और भी मोड देखने को मिल जाते हैं। तो ये 2x जूम वाला है, तो बेसिकली इसमें 10x जूम तक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो एक बार 10x जूम की बिल्कुल ऐसे बाहर से फोटो क्लिक करके चेक करता हूँ मैं एक बार, दूसरों की बालकनी में झांकूंगा। सो गाइस देखिए ये वाली फोटो क्लिक करी हुई मैंने, ये 5x जूम के साथ है, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल तो मैं सब बोलूँगा नहीं है, दिख नहीं रही मुझे ऐसी डिटेल्स, बट ओवरऑल फोटो का जो सब कुछ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत तो मेरे को लग नहीं रही।
लेकिन इतनी भी जूम में तो कौन खींचेगा। एंड यार ये वाली फोटो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आई है, तो 5x जूम के अंदर ये मैंने क्लोजअप शॉट लिया था एंड इसमें डिटेल काफी ज्यादा अच्छी है। साइड से बोके देखो बैकग्राउंड में भाई। गाइस जो रियलमी यूआई है ना उसके अंदर काफी सारे आप लोगों को और जैसे देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन है। सोलू का है एक जो वीडियो एडिटर है बेसिकली इनका, एंड और बहुत सारे हैं जैसे ये मिल जाता है आपको गेम सेंटर, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को गेम स्पेस भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे और अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ फ़ोन जो है देखो कितना स्नैपी है, मतलब मेरी फिंगर रिस्पॉन्स देखो तेज कर रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे हिसाब से, मुझे तो करती हैं यार, आप लोग बताओ आपको करती है नहीं करती। ये अगर वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयर पीस है बेसिकली ये, एंड जो मेन स्पीकर है यहाँ पे नीचे है। तो ये जो नीचे स्पीकर दिया गया है इधर भी है और इधर माइक्रोफोन है, ये हेडफोन जाएगा, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है आप लोगों को फोन के अंदर। तो ओवरऑल और यहाँ पे बात करी जाएगा जैसे देखो फोन की जो पूरी लाइक ओवरऑल जो बिल्ट है ना वो वैसी है जैसे लाइक रियलमी के पहले वाले स्मार्टफोन आते थे, तो कुछ इस तरीके का आप लोग देखने को मिलता है। पहले भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था और अभी भी वैसे देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल जैसे देख सकते हो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, हल्की सी पता चल जाएगी आप लोगों को। एंड देखो कलर शिफ्ट ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर, कलर ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो रहा है जो कि और एक अच्छी बात है मतलब। सो ये चीज़ें हैं जो मेरे को मैटर करती हैं, लगता है कि आप लोगों जो फ़ोन ले रहे हो तो ये सब पता रहना चाहिए आप लोगों को। एंड एक और चीज़ जो इसमें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था जो रियलमी यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कर दिया गया है, तो लाइक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो इस फ़ोन के अंदर अच्छी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने GFX टूल भी डाला था वैसे भी गेम को अगर मैं ज़्यादा हाई सेटिंग्स में खेलना चाहता हूँ। और मैंने हल्का सा यार नोटिस करा फ़ोन थोड़ा हीट भी हो जाता है यहाँ की साइड से, तो ये हीट करता है इधर की साइड से थोड़ा सा जब गेम खेल रहे हो, तो वो भी एक चीज़ याद रखना आप लोग, तो पता रहना चाहिए आप लोगों को ये भी। सो गाइस मुझे तो यार ये फ़ोन वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आप लोग बताओ कि आप लोगों को लगता है कि ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन है इस टाइम पर, और क्या लगता है आप लोगों इसके बारे में, और जो भी आपके ऐसे गुप्त राज हैं आप मुझसे पूछना चाहते हो कुछ तो बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ। ओके गाइस बाय।